गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको टेक्सटाइल्स एंड लॉन्ड्री, वस्त्र विज्ञान एवं धुलाई कला विषय पढ़ा रही हूँ। और टेक्सटाइल्स और लॉन्ड्री जो सब्जेक्ट है उसमें सिलेबस के अनुसार हमारे सेकंड चैप्टर चल रहा है, और सेकंड चैप्टर है रेशों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स। क्लासिफिकेशन जब हमने शुरू किया था तो आपको बताया था, एक होते हैं नेचुरल फाइबर्स प्राकृतिक तंतु, एक होते हैं कृत्रिम तंतु। तो प्राकृतिक तंतु जो हैं उनमें सेल्यूलोजिक फाइबर्स थे, मतलब जो कॉटन बेस थे, वो हमने कॉटन, लिनन, जूट, हेम्प, कॉयर, वो सारा हमने कवर कर लिया। वो हमारे लेक्चर्स में कंप्लीट हो गया। और उसी में प्राकृतिक तंतु में एक और प्रकार के तंतु हैं, वो है एनिमल फाइबर्स या प्रोटीन फाइबर्स, मतलब जांतव रेशे या प्रोटीन तंतु। तो प्रोटीन तंतु जो हैं वो सिल्क और वुल, मतलब रेशम और ऊन होते हैं, और उनके बारे में भी मैन्युफैक्चरिंग, उनके विशेषताएं और वो सब हमने कंप्लीट कर लिया। तो रेशों के वर्गीकरण में एक पार्ट जो प्राकृतिक रेशे होते हैं वो कंप्लीट हो गया, और आज हम दूसरा पार्ट जो कृत्रिम तंतु होते हैं उनके बारे में शुरू कर रहे हैं। कृत्रिम तंतु को हम मानव कृत तंतु भी कहते हैं, और आर्टिफिशियल फाइबर्स या मैनमेड फाइबर्स भी इनको कहा जाता है। क्योंकि मानव द्वारा उत्पत्ति है इसलिए इन्हें मानव कृत तंतु या मैनमेड फाइबर्स कहते हैं। कृत्रिम तंतु में भी हम देखते हैं कि इनको दो वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग जो है वो सेल्यूलोज से बने हुए तंतु होते हैं, और सेल्यूलोज बेस होता है इसमें, और सेल्यूलोज जो बेस होता है उनके फाइबर्स हैं रेयॉन और एसीटेट। और जो दूसरा वर्ग है कृत्रिम तंतु में वो होता है ताप सुनम्य तंतु, या फिर हम रासायनिक तंतु भी इनको कह सकते हैं, मतलब थर्मोप्लास्टिक फाइबर्स या केमिकल फाइबर्स। और ये थोड़े और ज़्यादा सिंथेटिक होते हैं, इसमें कॉटन बेस नहीं होता है। और थर्मोप्लास्टिक फाइबर्स में बहुत सारे फाइबर होते हैं, नायलॉन, ऑर्लॉन, डेक्रोन, पॉलिएस्टर और टेरिलीन। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो है सेल्यूलोज तंतु, मतलब सेल्यूलोज से बने हुए जो तंतु होते हैं उनके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। तो रेयॉन और एसीटेट जो है वो सेल्यूलोज तंतु होते हैं। तो रेयॉन और एसीटेट ऐसे तंतु हैं जो मानव द्वारा बनाए हुए सबसे पहले कृत्रिम तंतु ऐसे थे जो कि कॉटन बेस थे, और इनका बेस जो है वो वनस्पति का सेल्यूलोज उन्होंने बनाया। वनस्पति के जो सेल्यूलोज को उन्होंने यूज़ किया कपड़े बनाने के लिए, तो वो कपड़ा बिल्कुल नकली रेशम की तरह दिखाई देता था। लोग उसको नकली रेशम भी कहा करते थे। और दोनों ही रेयॉन और एसीटेट दोनों ही सेल्यूलोज जो पदार्थ होता है पेड़ में उसी से ही बनते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जैसे रेयॉन जो होते हैं वो सेल्यूलोज से मिलकर बनता है। सेल्यूलोज के अलावा सूती रेशे, बांस का गूदा, पेड़ का गूदा और गोंद, इन सब से मिलकर फिजिकली इसको रेयॉन को बनाया जाता है। जबकि इसी चीज को जब हम रासायनिक प्रक्रिया करवा देते हैं इन्हीं चीज़ों की, और उसमें एसिटिक यौगिक से भी प्रक्रिया करा देते हैं, तो जो बनता है रेशा हम उसे एसीटेट या सेल्यूलोज एसीटेट कहते हैं। थोड़ा सा फर्क है। रेयॉन जो होते हैं वो सेल्यूलोज से बने हुए ऐसे रेशे हैं जिनमें कि थोड़ा सा फिजिकल चेंज होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। जबकि अगर हम एसीटेट में, एसीटेट के रेशे को देखें तो उनमें दो तरह के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन भी होते हैं और रासायनिक परिवर्तन भी। फिजिकल और केमिकल दोनों ही चेंजेस उसमें पाए जाते हैं। जब हम रेयॉन को अधिक ताप पर रखते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर पर रखते हैं, तो रेयॉन का जो वस्त्र होता है वो जल जाता है। अगर उसको प्रेस कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, सूखा ताप दे रहे हैं, तो वो जल जाता है। जबकि अगर हम एसीटेट पे गर्म ताप देंगे, गर्म प्रेस कर रहे हैं, तो वो पिघल जाता है। रेयॉन के जो वस्त्र होते हैं उनमें जल अवशोषकता थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन एसीटेट में जल अवशोषकता कम होती है। जो एसीटेट होते हैं वो एसीटोन में घुल जाते हैं, जबकि रेयॉन एसीटोन में नहीं घुलते हैं।
और रेयॉन को इजीली कुचला जाता है, थोड़ा क्रश्ड हो जाता है, लेकिन अगर हम इसमें रेजिन की फिनिश दे देते हैं तो वो कुचला नहीं जाता, जबकि एसीटेट जो है वो सूखने पर उसमें थोड़ा लचीलापन रहता है, वो क्रश नहीं होता है। और रेयॉन से अनेक, मतलब रेयॉन को मिक्स करके अनेक मिश्रित वस्त्र बना सकते हैं। रेयॉन को किसी भी तंतु के साथ मिक्स करते हैं और कई तरह के वस्त्र बनते हैं, लेकिन एसीटेट जो है वो एक ऐसा वस्त्र बनाता है जो सिल्क के समान होता है, लेकिन लो प्राइस पे, बहुत ही कम पैसे में सस्ता वस्त्र बनता है, लेकिन वो सिल्क जैसा वस्त्र एसीटेट से बनता है। तो इस तरह से ये सेल्युलोज तंतु दोनों, थोड़े थोड़े से इनमें डिफरेंस होता है। तो पहले मैं रेयॉन के बारे में थोड़ा पढ़ाना चाह रही हूँ। रेयॉन और एसिटेट वैसे दोनों ही सेम है, लेकिन रेयॉन जो है दोनों का थोड़ा सा इनमें बनाने की विधि और इसमें थोड़ा सा चेंज है। रेयॉन को अगर हम देखें कि हमारे जीवन में रेयॉन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मानव जीवन में जो भी ये मतलब हमारी जनसंख्या है वो रेयॉन कपड़े को सबसे ज़्यादा पसंद करती है, सूती के बाद में। सूती कपड़ा सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, कॉटन, वो एब्जॉर्बेंट होता है। और लेकिन रेयॉन को उससे भी, मतलब रेयॉन को कॉटन के बाद जस्ट उसी को ही सबसे ज़्यादा उपयोग में भी लाते हैं और पसंद भी किया जाता है। जब रेयॉन का धागा बनता है तो उसके लिए सबसे पहले जो सेल्यूलोज होता है, ठोस सेल्यूलोज, सॉलिड सेल्यूलोज, उसको लिक्विड फॉर्म में, मतलब उसको द्रव रूप में किया जाता है। द्रव रूप में उसको घोल बनाकर, और स्पिनरेट होता है, स्पिनरेट मतलब एक छिद्र युक्त कटोरी होती है, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं और नली होती है। तो उस कटोरी यानी स्पिनरेट, और वो स्पिनरेट जो है वो प्लेटिनम जैसे धातु का बना हुआ होता है, और वो प्लेटिनम जैसे धातु का इसलिए बनाते हैं जिससे कि उसमें एसिड, एल्कली उसका इफेक्ट नहीं हो, मतलब अम्ल और क्षार, क्योंकि इनमें घोल घोल के डालते हैं, इसमें अगर अम्ल और क्षार का प्रभाव होगा तो फिर वो कटोरी का रंग भी चेंज हो जाएगा, मेटल भी चेंज हो जाएगा और धागे का रंग भी चेंज हो जाएगा। इसलिए जब सेल्यूलोज होता है ठोस, उसको लिक्विड मतलब द्रव फॉर्म में कर दिया, द्रव रूप में कर दिया, उसके बाद में स्पिनरेट में से डाला जाता है। स्पिनरेट में से डालने के बाद में नीचे से लंबे लंबे रेशे निकलते हैं। इस सॉलिड सेल्यूलोज को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं? सबसे पहले लकड़ी के गूदे को, लकड़ी का जो गूदा, अंदर का गूदा या पल्प जिसको कहते हैं, वो लेते हैं, उसमें थोड़े रसायन मिलाते हैं, केमिकल्स मिलाते हैं। केमिकल मिलाने के बाद में वो घुल जाता है और लिक्विड फॉर्म यानी तरल पदार्थ बन जाता है। तरल पदार्थ बनने के बाद में उसको थोड़ा रख देते हैं, वो गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा होने के बाद उस घोल को स्पिनरेट में से डालते हैं। स्पिनरेट में छोटी छोटी छेद होते हैं और उन जालियों में से जब वो लिक्विड निकलता है तो हवा में आते ही वो सूख जाता है और सूखते ही वो लंबे लंबे तारों का रूप ले लेता है। तो इस तरह से ये रेयॉन का धागा, रेयॉन का रेशा बनाने का एक जनरल विधि है। अब रेयॉन को बनाने की कुछ विधियां बताने जा रही हूं मैं। तीन विधियां हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज विधि, क्यूप्रामोनियम विधि और विस्कोस विधि। थोड़ी थोड़े से फर्क है इनमें केमिकल्स का। जैसे पहली है नाइट्रोसेल्यूलोज विधि। नाइट्रोसेल्यूलोज विधि में क्या करते हैं कि जो रुई की पट्टियां होती है, कपास की जो पट्टियां बनाई हुई होती है, उसको नाइट्रिक एसिड में और सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में उनको क्रिया कराई जाती है, उनका उनसे रिएक्शन होता है। क्रिया कराने के बाद में उसको एल्कोहल और ईथर के साथ घोल लेते हैं। एल्कोहल और ईथर के साथ घोलने के बाद थोड़ा रखते हैं तो वो गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा होने के बाद में स्पिनरेट के छेदों में से उसको डाला जाता है, वो जो घोल है, रुई की पट्टी, नाइट्रिक एसिड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, या तो नाइट्रिक एसिड डालेंगे या सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, तो रुई की पट्टियां उसमें भीग जाती है। और उसके बाद में एल्कोहल और ईथर में घोल लेते हैं, फिर उसको स्पिनरेट में से डालते हैं, तो उन छेदों में से जो रेशा निकल रहा है वो बाहर निकलते ही सूख जाएगा, पहले घोल है, बाहर निकलते ही हवा में वो रेशा बन जाएगा। तो जो उसमें एल्कोहल था वो तो सूख जाएगा और रेशा प्राप्त हो जाएगा, और वो रेशा है रेयॉन का। दूसरी विधि जो है वो है इसमें क्यूप्रा अमोनियम विधि। क्यूप्रा अमोनियम विधि में रुई की पट्टियां बनी हुई है,
रुई की पट्टियों को कास्टिक सोडा के साथ में उबाल लेते हैं। फिर कास्टिक सोडा के साथ उबालने के बाद में थोड़ी बहुत कोई गंदगी हो तो क्लोरीन से उसको ब्लीच किया जाता है, विरंजित किया जाता है। क्लोरीन से उसको विरंजित किया, ब्लीच कर लिया। अब उसके बाद में कॉपर ऑक्साइड या अमोनिया, कॉपर ऑक्साइड और अमोनिया डालकर और इसको पिघला लिया जाता है। और चूंकि कॉपर ऑक्साइड है तो उसको डालने के बाद में, पिघलने के बाद में वो नीले कलर का हो जाएगा। तो ये जो गहरे नीले रंग का घोल है इसको वापस से स्पिनरेट, वो जो छिद्र वाली कटोरी है उसमें डाल दिया जाता है, नीचे से रेशा निकल जाता है। और अगर रेशे को सख्त बनाना है, थोड़ा कड़क बनाना है, तो फिर उसको डाइल्यूट H2SO4 मतलब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है। तीसरी विधि जो है रेयॉन बनाने की वो है विस्कॉस विधि। विस्कॉस विधि के अंदर जो लकड़ी का गूदा होता है, उस लकड़ी के गूदे की चादर या शीट बना ली, मतलब रुई की पट्टियां बन गई, और चादर और शीट जो है उसको सल्फाइड से ब्लीच किया जाता है। अगर थोड़ी गंदगी है तो सल्फाइड डाल के उसको विरंजित किया जाता है। विरंजित करने के बाद में उसमें कास्टिक सोडा में उसको डुबो दिया जाता है और भिगो दिया जाता है। और कास्टिक सोडा में बहुत पुराना होने तक, थोड़े दिन तक उसको भिगो देते हैं सल्फाइड से ब्लीच करने के बाद में। फिर जो ये मिश्रण बनता है उसको कार्बन डाइसल्फाइड के साथ मिश्रित किया जाता है। और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ मिश्रित करने के बाद में कास्टिक सोडा का थोड़ा सा डाइल्यूट घोल, एक हल्का सा घोल बनाया जाता है, उसके साथ पुनः क्रिया कराई जाती है। और कास्टिक सोडा के साथ जब क्रिया कराई जा रही है, क्योंकि यहाँ कार्बन डाइसल्फाइड था तो ये हल्के पीले रंग का घोल बन जाता है, जब कॉपर था तो नीला बन गया और सल्फर है तो वो हल्के पीले रंग का घोल बन जाता है। फिर इस घोल को स्पिनरेट मतलब छिद्र वाली कटोरी में डाल दिया जाता है और जो बाहर निकलता है वो रेशा होता है। यहाँ भी अगर सख्त रेशा बनाना है तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी डाइल्यूट H2SO4 के साथ क्रिया कराई जाती है और जो नीचे से निकलते हैं वो लंबे लंबे रेशे यानी रेयॉन के रेशे निकलते हैं और रेयॉन बन जाता है। इस तरह से नाइट्रो सेल्यूलोज या क्यूप्रामोनियम विधि या विस्कॉस विधि से रेयॉन के रेशे तैयार किए जाते हैं। फिर रेयॉन के साथ ही एक और हम सेल्यूलोज फाइबर पढ़ रहे हैं, एसीटेट। करीब करीब ये एक जैसा सही है, थोड़ा सा इसमें फर्क है बनाने में कि एसीटेट के लिए मतलब जो कपास और रुई की पट्टियां होती है, जैसे इनमें भी हमने किया, तो कपास या रुई की पट्टियों को एसिटिक एनहाइड्राइट और एसिटिक एसिड के साथ क्रिया कराई जाती है। जो कपास की पट्टियां हैं, रुई की पट्टियां हैं, उसको एसिटिक एनहाइड्राइट और एसिटिक एसिड के साथ क्रिया कराई जाती है, फिर ये एक मिश्रण बन जाता है। फिर इस मिश्रण को ठंडे पानी में डाला जाता है। फिर ठंडे पानी में डालने के बाद में सेल्युलोज एसीटेट की सफ़ेद पपड़ियां जैसी वहां जम जाती है। जो सेल्युलोज एसीटेट होगा वो पपड़ी के रूप में आ जाएगा, तो सेल्युलोज एसीटेट की जो सफ़ेद पपड़ी होती है वो बिल्कुल जम जाती है, अलग हो जाती है। अब उन पपड़ियों को अलग कर लिया जाता है। अलग करने के बाद में उनको धोकर सुखा लिया जाता है। पपड़ियों को जो सेल्युलोज एसीटेट की है उनको धोकर सुखाने के बाद में वापस से एसीटोन के साथ उसको पिघलाया जाता है। एसीटोन के साथ पिघलाने के बाद में उसको छानते हैं। छानने के बाद में वो गाढ़ा रंगहीन और तरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। मतलब सबसे पहले तो जो रुई की पट्टियां हैं उसको एसिटिक एनहाइड्राइट और एसिटिक एसिड के साथ मिक्स करते हैं, क्रिया कराई, एक मिश्रण बन गया। उस मिश्रण को ठंडे पानी में डालते हैं। ठंडे पानी में डालने पर एसिटिक जो ये सेल्युलोज एसिटेट है इसकी सफ़ेद पपड़ी जम जाती है। सफ़ेद पपड़ी बिल्कुल अलग हो जाती है। उसको अलग करके धो लेते हैं, धो के सुखा लेते हैं और हल्का सुखाने के बाद में एसीटोन के साथ वापस से उसको लिक्विड फॉर्म करते हैं, पिघला लेते हैं। पिघलाने के बाद में छान लेते हैं और छानने के बाद में जो हमें प्राप्त होता है वो होता है गाढ़ा रंगहीन तरल पदार्थ।
फिर इस गाढ़े रंगहीन तरल पदार्थ को हम स्पिनरेट वही छिद्रदार कटोरी जो है उसमें डालते हैं। उसमें डालने के बाद में नीचे से जो निकलते हैं वो रेशे होते हैं, उसमें जो एसीटोन था वो तो सूख जाता है, और एसीटोन सूखने के बाद में जो नीचे से रेशे निकले वो सारे एसीटेट के रेशे होते हैं। तो इस तरह से ये रेयॉन और एसीटेट के रेशे बनते हैं। लेकिन जब ये बनते हैं तो थोड़ा सा इनमें कुछ चमक और कुछ ऐसा होता है, तो इसकी रेशे की एक तैयारी की जाती है। रेशे की तैयारी जो होती है रेयॉन और एसीटेट के रेशे की, वो इस तरह से होती है, जैसे डीलस्टरिंग करना, चमक कम करना। जो बहुत चमक वाले रेशे होते हैं वो थोड़े निम्न कोटि के लगते हैं, इसलिए अगर वो बहुत ही चमक वाला रेशा बन गया तो हम उसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड या फिर तेल या फिर मोम उसमें ऐड कर देते हैं, जिससे कि वो अधिक चमक वाला नहीं रहता, कम चमक वाला हो जाता है। डीलस्टरिंग, लस्टर मतलब चमक, डीलस्टरिंग यानी कम चमक करना। कम चमक कैसे होगी? या तो रेशे के साथ तेल या मोम या टाइटेनियम डाइऑक्साइड मिला देते हैं। दूसरी प्रक्रिया एक होती है स्पिनिंग यानी कताई। कताई में क्या करते हैं कि जो स्पिनरेट होता है उसमें एक से ही छेद करके और हम डालते जाएंगे तो एक से ही धागे निकलते जाएंगे। लेकिन अगर हम संख्या, उसकी जो संख्या है उसमें चेंज कर दें, या उसका आकार जैसे तिकोना कर दिया, चौकुना कर दिया, लंबा कर दिया, तो जो भी स्पिनरेट के छिद्रों का आकार अगर चेंज कर दिया, या किसी का व्यास थोड़ा बड़ा बना दिया, किसी का व्यास बहुत छोटा बना दिया, तो जो उस कटोरी के छेद हैं, या तो छेदों के नंबर बढ़ा दिए या घटा दिए, या छेदों का आकार बढ़ा दिया या कम कर दिया, या आकार को ही चेंज कर दिया, तिकोना चौकुना, तो अगर हम संख्या, छिद्र और आकार पर नियंत्रण करते हैं स्पिनरेट के, तो हमारे पास में रेशे भिन्न भिन्न प्रकार के आ जाते हैं। फिर उनमें ऐंठन डाली जाती है, तो ऐंठन की मात्रा में चेंजेस कर सकते हैं, और रेशे की लंबाई जितनी हमें चाहिए उतनी ले लेते हैं और बाकी को काट देते हैं। इस तरह से जो रेशे प्राप्त होते हैं वो इकहरा रेशा और बहु रेशीय रेशा, दो तरह के रेशे इसमें प्राप्त होते हैं। तो जो इकहरा रेशा होता है वो तो बहुत मजबूत लचीला होता है, क्योंकि इसका जो व्यास होता है वो एक फिक्स व्यास कर देते हैं, एक डायमीटर, तो वो मजबूत और लचीला इकहरा रेशा हमें प्राप्त होता है। लेकिन जब बहु रेशीय रेशे हमको बनाने होते हैं तो दो या दो से अधिक, चार या आठ रेशे लेके और उनको मिक्स किया जाता है, ऐंठन दी जाती है, फिर एक रेशा बनाया जाता है। तो वो जो बहु रेशीय रेशा होता है वो कोमल, मुलायम, लचीला और मजबूत रेशा होता है, क्योंकि पहले दो दो को मटते हैं, फिर दो दो को मिला के चार भी कर सकते हैं, या चार को इकट्ठा करके दो दो चार करके और फिर आठ को भी इकट्ठा कर सकते हैं। तो ऐसा बहुरेशीय जो रेशा बनता है वो बहुत ही मजबूत, लचीला, कोमल और मुलायम बनता है। और उसके बाद में होती है इसमें परिसज्जा यानी फिनिशिंग। तो फिनिशिंग वैसे तो इनको कोई बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हमको कड़क करना है इनको, थोड़ा सा जो रेयॉन और एसीटेट के धागों को, तो अगर उनको कड़क करना है तो हमको कलफ लगानी होगी, स्टार्चिंग करनी होगी। अगर उसमें संकुचन होती है तो संकुचन हटाने वाली फिनिश देनी पड़ती है। अगर उसको वाटरप्रूफ बनाना है तो वाटरप्रूफ का जो लेप वगैरह लगाते हैं तो वाटरप्रूफ वाली फिनिशिंग देनी पड़ती है। जल अवरोधक की फिनिश वही वाटरप्रूफ की हो जाती है। एक रोए उठाना, अगर रोए इसमें लेने हैं तो ब्रश के द्वारा, नेपिंग के द्वारा रोए बीज में उठाते हैं। इस तरह से कुछ परिसज्जाएं कृत्रिम तंतु को भी हम दे सकते हैं जिससे कि वो सुंदर लगे। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है रेशे के वर्गीकरण में, प्राकृतिक तंतु हमारा कंप्लीट हो गया और कृत्रिम तंतु हमने शुरू किया। कृत्रिम तंतु में दो तरह के, एक सेल्युलोजिक और एक थर्मोप्लास्टिक, मतलब तापसुनम्य तंतु। तो आज हम पढ़ रहे हैं सेल्युलोज फाइबर्स, और सेल्युलोज फाइबर्स में दो हैं, रेयॉन और एसीटेट, करीब करीब ही एक जैसे से ही होते हैं। और रेयॉन और एसीटेट जो है वो मानव ने सबसे पहले एक ऐसा कृत्रिम तंतु बनाया जो कि कॉटन जैसा भी है, बहुत सस्ता भी है, इजी टू वेयर है, इजी टू वॉश, और लोगों की पहली पसंद बना।
और इसे नकली रेशम जैसे कहा जाता था। और इनको बनाने के लिए लकड़ी का गूदा, गोंद, पेड़ का गूदा, बांस का गूदा, सूती रेशे, सेल्यूलोज, इन सब से इनको बनाया जाता था। और इसमें बहुत थोड़ा सा फर्क है रेयॉन और एसिटेट में। जैसे रेयॉन जो है वो थोड़ा पानी को एब्जॉर्ब अच्छा करता है, एसिटेट नहीं करता। जो एसिटेट है वो एसीटोन में घुल जाता है लेकिन रेयॉन नहीं घुलता। रेयॉन जल्दी से कुचला जाता है, क्रश हो जाता है, लेकिन एसीटोन नहीं, एसिटेट नहीं कुचला जाता। रेयॉन जो होते हैं उनमें थोड़े से चेंज होते हैं, भौतिक चेंज, और वो रेशा बन जाता है। लेकिन एसिटेट जो रेशा होता है उसमें भौतिक और रासायनिक दोनों चेंजेस होते हैं। और एसिटेट जो है वो पिघल जाता है अधिक ताप के, जबकि रेयॉन जो है वो अधिक ताप पे जलता है। रेयॉन कई सारे तरह के वस्त्र बनाने के लिए दूसरे रेशों के साथ मिक्स होता रहता है, लेकिन जो एसिटेट रेशा है वो सिल्क समान एक वस्त्र बनाता है, जो कि कम कीमत के वस्त्र बनते हैं वैसा ही ये बनाता है। फिर रेयॉन जो है वो लकड़ी के गूदे और केमिकल के साथ मिलकर एक घोल बन जाता है, और उसको स्पिनरेट होता है। एक मतलब प्लेटिनम यानी एक धातु की कटोरी होती है छेद वाली, उसमें डाल के, और उस छेदों में से जो घोल निकलता है वो बाहर निकलते ही कड़क होके और वो रेशे का रूप ले लेता है। उसे हम इसकी विधि कहते हैं। और प्लेटिनम में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अम्ल क्षार का उस पर फर्क ना पड़े। रेयॉन बनाने की तीन विधियां हैं। एक अगर हम नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रुई की पट्टियों को भिगोकर और अल्कोहल और ईथर के साथ घोल करके स्पिनरेट में से डालेंगे तो वो नाइट्रोसेल्युलोज विधि हो जाएगी। अगर हम रुई की पट्टियों को कास्टिक सोडा के साथ उबाल कर क्लोरीन के साथ ब्लीच करके फिर कॉपर ऑक्साइड और अमोनिया के साथ पिघला कर फिर उस नीले घोल को कटोरी में डालेंगे स्पिनरेट में तो क्यूपरा अमोनियम विधि हो जाएगी। और अगर हम लकड़ी की जो गूदा है उसको सल्फाइड से ब्लीच करके कास्टिक सोडा में पिघला देते हैं, भिगो देते हैं कई दिन तक, और उसके बाद में कार्बन डाइसल्फाइड के साथ मिश्रित करके वापस से कास्टिक सोडा के साथ घोल बनाते हैं और फिर इस हल्के पीले घोल को कटोरी में डालते हैं स्पिनरेट वाली, तो ये विस्कॉस विधि से रेयॉन बनना हो जाता है। और एसिटेट में भी कुछ इसी तरह से होता है कि जो कपास की पट्टियां होती है उसको एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटिक एसिड के साथ क्रिया कराकर जो मिश्रण बनता है और उस मिश्रण को ठंडे पानी में डालते हैं और वो एक सफेद पपड़ी जैसा बन जाता है। उस पपड़ी को निकाल के धो के सुखा के उसके बाद में वापस एसीटोन में उसको पिघला देते हैं और फिर जो छान करके एक लिक्विड बनता है वो थोड़ा गाढ़ा सा रंगहीन तरल पदार्थ बनता है और फिर स्पिनरेट में से डालते हैं तो वो एसिटेट के रेशे बन जाते हैं। और जो ये रेशे बनते हैं अगर उनमें चमक ज्यादा है, चमक कम करनी है तो उनमें तेल या मोम या टाइटेनियम डाइऑक्साइड डालते हैं। और जब हम इनकी कताई करते हैं मतलब स्पिनरेट में से डाल रहे हैं तो रेशे की हम चौड़ाई और मोटाई जो है वो उसके छिद्र की व्यास से नियंत्रित कर सकते हैं। हमको ज़्यादा रेशे निकालने हैं तो ज़्यादा छेद कर देंगे, अगर छिद्र का आकार चेंज कर देंगे तो रेशे का आकार भी चेंज हो जाएगा। और इसी तरह से फिनिशेस अगर हम उसको देंगे कि अगर उसमें रोए उठाने हैं तो रोए उठाने वाली भी फिनिशिंग दे सकते हैं। अगर कड़क करना है तो स्टार्चिंग कर देंगे, अगर उसको जल अवरोधक बनाना है तो वाटरप्रूफ फिनिश देंगे, और संकुचन अगर उसमें से हटाने हैं तो श्रिंकेज रेजिस्टेंस फिनिशिंग उनको देते हैं। तो इस तरह से कृत्रिम तंतु या मानवकृत जो तंतु होते हैं आर्टिफिशियल फाइबर्स, उनमें ये सेल्यूलोजिक फाइबर्स के बारे में था, रेयॉन और एसिटेट के बारे में। थैंक यू।